हेलो इंडिया, मैं हूँ मुक्ता। अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन। सूजी के गुलाब जामुन बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और ये गुलाब जामुन हम सिर्फ सूजी से बनाएंगे। ना ही हमने इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही खोया या मावा का इस्तेमाल किया है। जब आपके पास खोया या मावा ना हो तब आप सूजी के गुलाब जामुन बना सकते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले पहुँचेगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। तो यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप चीनी और साथ ही इसमें मैंने मिला दिया है 2 कप पानी। चम्मच से चलाएंगे जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से घुल नहीं जाएगी। और अब हम इसमें हम उबाल आने देंगे। जब इसमें उबाल आना चालू हो जाएगा तब हम इसे 5 से 7 मिनट तक तेज आंच पर पकाएंगे। हमें गुलाब जामुन के लिए गाढ़ी चाशनी बनानी है। हम इसे तार वाली चाशनी नहीं बना रहे हैं बल्कि हम इसे सिर्फ गाढ़ा होने तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट में चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तब हम इसमें कुटा हुआ इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे ढक्कन से ढककर साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन और उसमें डाला है 2 टेबल स्पून घी। घी को मेल्ट होने देंगे तब हम इसमें मिला देंगे 1 कप मिल्क। और जब दूध में उबाल आ जाएगा तब इसमें मैं मिला दूंगी 1/2 कप सूजी। सूजी को आपको एक बार में नहीं डालना है बल्कि आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें सूजी को डालें और एक हाथ से चम्मच से चलाते जाएं ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। तो सूजी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो अब इसमें मैं 1/2 कप मिल्क और मिला दूंगी और उसके बाद इसको चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देना है। और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि ये सूजी और दूध पैन से सेपरेट नहीं हो जाते, अलग नहीं हो जाते। तो 5 से 7 मिनट तक हमने इसे चम्मच से चलाते हुए भून लिया है और यह पैन से अलग हो गई है। तो हमारा सूजी का डो बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। सूजी के डो को हमें पूरी तरीके से ठंडा नहीं होने देना है। जब ये हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसको बाल्स बनाना शुरू करेंगे। तो हल्का गर्म है ये और अब इसको मैं हाथों से अच्छे से मसल मसल कर चिकना कर लूँगी। इसको हाथों से तब तक मसल मसल कर चिकना करें जब तक कि इसका डो ना बन जाए। और अब इसके छोटे छोटे पोर्शन तोड़कर अलग रखते जाएंगे। अब इन पोर्शन को हम हाथों में लेकर इसे गुलाब जामुन का शेप देंगे और इसे एक प्लेट में रखते जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप सूजी के पूरे बॉल्स बनाकर रख लें। अब एक पैन में तेल गरम करें और जब तेल गरम हो जाए तो इन बॉल्स को आप इसमें डीप फ्राई करें। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब एक बार थोड़ा सा नीचे से ब्राउन कलर का हो जाएगा तब हम इसे चम्मच से पलटेंगे। अब चम्मच की सहायता से इन
गुलाब जामुन को हम पलट पलट कर चारों तरफ से गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। तो ये गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। में अगर खोया मावा ना हो, मिल्क पाउडर ना हो, तो आप सूजी से भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके पास अगर मिल्क पाउडर है, ये खोया है, तो आप इसमें मिला सकते हैं। तो सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, चाशनी को एक बार और गर्म कर लें, उसके बाद आप इसमें गुलाब जामुन को डिप कर दें और इसे कम से कम आप 20 मिनट तक भीगे रहने दें और ढककर रख दें, या फिर तब तक जब तक कि हमारे गुलाब जामुन सॉफ्ट नहीं हो जाते या इस चाशनी इसके अंदर तक नहीं चली जाती, तब तक हम इसे इसमें भिगा कर रखेंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे गुलाब जामुन अच्छे से भीग चुके हैं, चाशनी में ये अच्छी तरीके से सोख लिया है इन्होंने, तो अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो हमने मीठा बनाया है और मीठे में बनाया गुलाब जामुन, तो ये पहले कटोरी में भगवान के लिए प्रसाद हम अलग रख लेंगे, उसके बाद बाकी गुलाब जामुन को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये हमारे सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं, खाने में बहुत स्वादिष्ट है, आप एक बार बनाकर जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपको एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।